हम पहुंचे हुए हैं दौरंदा विधानसभा क्षेत्र के और यहाँ पे पकोलिया गांव में। बताइए बंदर जी, क्या कुछ स्थिति है यहाँ पे, क्या रहेगा इस बार का चुनाव का क्या रहेगा ये बताइए। चुनाव इसमें जीतेंगे यही रहेगा, दूसर का रहेगा, कौन जीतेगा, किस में लड़ाई रहेगी, क्या लग रहा है, त्रिकोणात्मक लड़ाई तीनों। देखिए, मोदी जी के साथ यहाँ के लोग हैं या राहुल गांधी के साथ हैं या फिर निर्दलीय के साथ हैं? मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ है। अच्छा, लेकिन और भी लोग तो जीत के दावे कर रहे हैं, करेंगे लोग नहीं कोई तो सब उसी दिन अच्छी हो जाएगा। अच्छा, जीत के दावे सब लोग करेंगे। जी जी, लक्ष्मी जी के पति आए थे, आपसे बात भी हुई है। हाँ हाँ, समाज की क्या स्थिति रहेगी यहाँ पे? ठीक है, उनको मिलेगा वोट, उनको अजय जी साथ, हम लोग से अजय बताए हैं कि उनको देना है, हम गए थे उनके यहाँ। अच्छा, तो मीटिंग किए थे एक दिन सभी लोगों को, तो मीटिंग में बताया कि इन्हीं का साथ देना है, ये गए थे उस मीटिंग में सिवान में उनका डेरा, लिट्टी चोखा का दही खा कर हम लोग आए हैं। बताइए क्या नाम हुआ आपका? पारस सिंह कुशवाहा। क्या स्थिति रहेगी यहाँ पे, ये बताइए पकवलिया में। पकवलिया में, पकवलिया गांव ही नहीं, पकवलिया गांव ही नहीं, पूरे दरौंदा विधानसभा में लक्ष्मी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के सामने कोई नहीं है। अगर एक नंबर में है तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत रही है, और उनके सामने चुनाव में कोई यहाँ पर नहीं है, कोई नहीं है। क्या कारण है, क्या कारण, क्या है कारण? है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का विकास का काम देखकर सारे लोग उनके साथ है, सारे लोग उनके साथ है। नीतीश कुमार का काम जो शिक्षा से लेकर, रोड से लेकर, बिजली से लेकर, हर काम में नीतीश कुमार ने गांव तक चौंपाने का काम किया है, और मोदी जी ने गैस चूल्हा घर घर में पहुंचाने का काम किया है। प्रत्येक साल दो मतलब की साथ है ना, प्रत्येक साल आप बताइए क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार सिंह। दिलीप जी, ये बताइए क्या माहौल रहेगा यहाँ का, पकवलिया गाँव का? पकवलिया ही नहीं, पूरे बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं, वह मोदी का एक्सप्रेस ट्रेन खुल चुका है और उसमें बिहार के 40 बोगी उसके साथ लगेगी। हाँ, उसमें सिवान की भी बोगी होगी। वाह वाह वाह, लेकिन इस बोगी को रोकने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कुशवाहा सिंह जी। चूंकि न तो मोदी का विकास रुकेगा, न नीतीश कुमार जी का विकास रुकेगा, जब दोनों विकास मेरे साथ है तो डबल इंजन की सरकार यहाँ भी रहेगी और वहाँ भी रहेगी। तो लड़ाई किनसे लड़ेंगे आप लोग? हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है, वो हमारे विरोधी बताएं कि उनकी लड़ाई किससे। कई दिग्गज हैं यहाँ पे, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से, महागठबंधन और पूर्व सांसद की पत्नी हिना साहब, और भी बहुत सारे लोग हैं, जीवन जादव हैं, तमाम लोग हैं। इसके पहले भी उन लोगों ने लड़के सिवान में देख लिया है और सिवान की जनता ने उन्हें खारिज कर चुकी है। हाँ, ऐसे में फिर इस बार भी सिवान की जनता उन लोगों को खारिज कर दी है, अब केवल रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हमारी 40 लोकसभा सीट हम जितने एनडीए जो है वो जितने जा रही है। जी जी। आपके हमारे हम तो बगल के रहने वाले हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन विस्तारक भी हैं एकमा में, तो ऐसे देखने से लगता है कि आप महाराजगंज की ही लड़ाई ले ले, कहीं कोई लड़ाई में है क्या? एक प्रत्याशी आया है जो क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूसरे जिले से वह प्रत्याशी आया है और वह प्रत्याशी को कोई जानता भी नहीं है और उस प्रत्याशी को यह मालूम भी नहीं है कि यह महाराजगंज जिला जो है उत्तर प्रदेश का है कि बिहार का, महाराजगंज लोकसभा से हम लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति महाराजगंज लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी का है। चलिए, कुछ लोग और भी हैं बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर के। क्या होगा, क्या रहेगा, बताइए चुनाव कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पे? मुद्दा विकास होगा। अच्छा, विकास रहेगा, विकास पे वोट होगा। और क्या लग रहा है कि राहुल गांधी, मोदी या फिर निर्दलीय? अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लड़ाई तो त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय होगी लड़ाई, किन में त्रिकोणीय हो सकती है? अभी एनडीए है, राजद है, हिना साहब हैं, इन्हीं लोगों में होगा। ये तीनों लड़ाई में है, उसमें भारी कौन पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, बताइए। हो गया, भारी मोदी पड़ेंगे, भारी मोदी पड़ेंगे, राजद वाले बोल रहे हैं, हम भारी, हिना साहब बोलिए, हम भारी, बोलने दीजिए, उन लोगों का हवा है। जी जी, उन लोगों का हवा है, खाली हवा रहेगा।
वोट के दिन पता चलेगा किसको मिलेगा। हाँ, लड़ाई किन से लड़ेंगे आप? लड़ाई किसी से नहीं है, किसी से नहीं। हाँ, वृंदा में एक नंबर में है। हाँ, जिसको वोट मिलेगा वो दो नंबर में आएंगे, हो गया। वो तो दो नंबर में, जिसको कम मिलेगा वो तो आएगी, हो गया। तब मतलब कि इस गांव में मोदी की ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है पूरा। हाँ, राम जन्मभूमि लेकर के सब लोग हाँ राममय हो गए हैं। राममय हो गए एकदम। अच्छा, तो रिजल्ट बिल्कुल 4 तारीख को कुछ अलग आएगा? अलग आएगा कि 2 लाख से जीतेंगे। किसको जिताएंगे? रमेश कुशवाहा को। और लोग कहाँ जाएंगे? और लोग हवा में जाएंगे, हवा में चले जाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मत पूछिए, इसलिए कि हम लोग कुछ। अच्छा चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, क्या होगा इस बार बताइए आप लोग? सरकारी नौकरी में है, रेलवे में है, इसलिए हम नहीं कुछ बोल। कोई दिक्कत नहीं, मुद्दा क्या होगा ये बताइए किसी पार्टी का? मुद्दा तो हर जगह मुद्दा यही रहता है, रोजगार रहता है, लेकिन चूँकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए किसी पार्टी के पक्ष में नहीं। चलिए, और यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, क्या होगा इस बार बताइए तो आप? इस बार मुद्दा विकास का ही है, नरेंद्र मोदी जी के, भाजपा का सब हम लोग सपोर्टर हैं। ठीक है, भाजपा जिधर रहेगी, अगर जेडीयू के साथ में है तो भाजपा के साथ में हम लोग हैं, जेडीयू के साथ में है। हाँ, यही है, जब यहाँ नरेंद्र मोदी का माने विकास चलेगा, उनका फॉर्मूला चलेगा, माने जो भी हो 400 पार हम लोग हो रहे हैं, बस 400+। लेकिन महागठबंधन वाले भी जीत के दावे कर रहे हैं और हिना साहब भी जीत के दावा कर रहे हैं, जीवन जी भी है वो भी जीत के दावा कर रहे हैं। नहीं, बेकार है वो, कोई टिकेगा नहीं। नहीं ना, क्यों नहीं टिकेगा? नहीं टिकेगा क्योंकि मोदी जी का जो विकास है उसके सामने सब फीका। 15 साल का तो देख ही लिए हैं हम लोग, पहले वाला जो अवस्था था। अच्छा, अभी 15 साल में ही विकास हुआ है बस। राम मंदिर को लेकर चाहे जो भी हो, नरेंद्र मोदी का विकास को लेकर उनका जो भी है सब, यहाँ टोटल भाजपा उनके साथ जो भी गठबंधन है वो जीत विजयी होगी। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि पकोलिया गांव में हम पहुंचे हुए थे जो दरौंदा विधानसभा में आता है। लोगों का कहना है कि भाई राम मंदिर को लेकर के मोदी जो मुद्दा है वो हावी है, कई गांव में जा रहे हैं लोग, वहां भी यही आलम है। लेकिन फिर भी देखना होगा कि जनता का जो मूड और मिजाज है वो तो 25 तारीख को EBM पे जाने के बाद बहुत कुछ चेंजिंग भी होते रहता है, उस वक्त क्या कुछ होता है, जनता किसे अपना MP चुन करके EBM में किसे बटन दबा करके सांसद बनाती है, और ये तो फैसला जो होगा रिजल्ट जब आएगा 4 जून को तभी पता चलेगा कि सिवान का MP कौन बनता है और किसे यहाँ से सांसद चुनकर सिवान की जनता दिल्ली के संसद भवन में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, पकवलिया दरौंदा, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है, हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. Plus Public School
CBSE कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स, ऑल कैंपस सीसीटीवी कैमराज, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक पेंटिंग योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराएं प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक शिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।